नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने फिफ्थ पे कमीशन से रिलेटेड रूल्स पढ़ लिए हैं। हमने पंजाब फाइनेंशियल रूल्स भी कवर कर लिए हैं। इसके साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम थर्ड पे कमीशन को शुरू करेंगे। थर्ड पे कमीशन की रिकमेंडेशन 1 जनवरी 1986 से एप्लीकेबल हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। थर्ड पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 1988 लाए गए थे। इन रूल्स को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया था 13 सितंबर 1988 में। ये रूल पार्ट टाइम एम्प्लॉयज और जिन एम्प्लॉयज को कंटेंजेंसी से पेमेंट की जाती है, जिन एम्प्लॉयज को यूजीसी द्वारा रिकमेंडेड स्केल दिए जाते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, और इसके साथ ही जिन एम्प्लॉयज पर ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इन रूल्स के रूल 3 के नीचे नोट 1 में दिया गया है कि पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज क्लास 1 या पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज क्लास 2 या पंजाब स्टेट डेंटल सर्विसेज क्लास 1 या पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट डेंटल स्टेट सर्विसेज क्लास 2 के केस में हाउस जॉब्स या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए एडिशनल इंक्रीमेंट अगर दी गई है तो वो भी बेसिक पे का पार्ट होगी। इसी के साथ नोट 2 में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेपरेट हायर टाइम स्केल के लिए स्पेशल पे दी जा रही है तो वो स्पेशल पे भी बेसिक पे का पार्ट होगी। अभी स्क्रीन पर देखिए, आपको दो मास्टर स्केल नजर आ रहे हैं। पहला मास्टर स्केल 31st ऑफ दिसंबर 1992 तक एप्लीकेबल था और 1st ऑफ जनवरी 1993 से दूसरा रिवाइज्ड मास्टर स्केल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पहला मास्टर स्केल देखिए 750 से लेकर 6700 रुपए तक का है। इसको अगर हम देखें ध्यान से तो 750 में देखिए 20-20 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 950 रुपए बनेगा, उसके बाद 25 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 1200 रुपए बनेगा, 1200 रुपए के बाद 30 रुपए की इंक्रीमेंट आ रही है 1560 रुपए तक चलेगा, और उसके बाद 40 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 2000 रुपए, उसके बाद 50 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 2400 रुपए, उसके बाद 60 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 2700 रुपए, उसके बाद 75 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 3000 रुपए तक जाएगा, और उसके बाद 100 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 4000 रुपए तक जाएगा, फिर 125 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 5000 रुपए आएगा, उसके बाद 150 रुपए की इंक्रीमेंट लगेगी 6900 रुपए तक, उसके बाद 200 रुपए की इंक्रीमेंट लगेगी 6700 रुपए तक। अब रिवाइज्ड मास्टर स्केल को देखते हैं। इसमें देखिए 770 रुपए से शुरू हो रहा है और 6700 रुपए तक जा रहा है। 770 के बाद देखिए 30 रुपए की इंक्रीमेंट आ रही है, फिर 35 रुपए की, फिर 40 रुपए की, 45 रुपए की, 50 रुपए की, 60 रुपए की, 70 रुपए की, 75 रुपए की, 100 रुपए की, 125 रुपए की, 150 रुपए की और 200 रुपए की इंक्रीमेंट आकर 6700 रुपए तक आ रहा है। इस रिवाइज्ड मास्टर स्केल में पे फिक्सेशन कैसे करनी है आगे हम वो भी सीखेंगे। हमें पता है कि जब भी रिवाइज्ड पे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ये वाले रूल 1 जनवरी 1986 से एप्लीकेबल हो रहे हैं, जहां जिस डेट को इन रूल्स में पे रिवीजन की जाती है उस डेट को अपॉइंटेड डे बोला जाता है, तो इन रूल्स के रूल 5 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिवाइज्ड स्केल के अकॉर्डिंग पे दी जाएगी। रूल 5 के फर्स्ट प्रोविजो में दिया गया है कि ओल्ड एम्प्लॉय चाहे तो पुराने रूल्स में ही पे ले सकते हैं। इसी रूल के सेकंड प्रोविजो में बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी 1986 को रिक्रूट हुआ है या उसके बाद रिक्रूट हुआ है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो पुराने रूल्स में पे ले सके, उसकी पे रिविजन करनी ही करनी है। इन रूल्स के रूल 6 में लिखा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रूल्स के पब्लिश होने के 4 महीने के अंदर अंदर अपना ऑप्शन नहीं देता है तो उसकी पे रिविजन 1 जनवरी 1986 से कर दी जाएगी। इन रूल्स के रूल 7 में बताया गया है कि ओल्ड एम्प्लॉय की इन रूल्स के अकॉर्डिंग पे रिविजन कैसे करनी है। रूल 7 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि सबसे पहले जो बेसिक पे है उसका 10% निकालना है,
और अनरिवाइज्ड पे में उसको जमा करना है अगर वो 50 रुपए से ज्यादा का है। अगर 50 रुपए से कम है तो मिनिमम 50 रुपए अनरिवाइज्ड पे में ऐड करने हैं। रूल 7 क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर 10% पे फिक्सेशन बेनिफिट को जमा करने के बाद जो अमोलुमेंट्स कैलकुलेट करके आते हैं वो मास्टर स्केल्स की 2 स्टेजेस के बीच में होते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेज वाली फिगर होगी उसको रिवाइज्ड पे बना दिया जाएगा। रूल 7 के नीचे प्रोविजो ए दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग अगर रिवाइज्ड इमोलुमेंट्स रिवाइज्ड स्केल के मिनिमम से कम होते हैं तो रिवाइज्ड पे रिवाइज्ड स्केल के मिनिमम पर फिक्स की जाएगी। इसके साथ ही इस रूल के नीचे प्रोविजो बी में लिखा गया है कि अगर इमोलुमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद रिवाइज्ड स्केल के मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाते हैं तो भी उसको नेक्स्ट स्टेज पर ही फिक्स किया जाएगा और जो मैक्सिमम से ज्यादा पे है उसको एक्स ग्रेसिया इंक्रीमेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। इस रूल को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, इसमें मिस्टर बी एक क्लर्क है जो 400 से लेकर 600 के स्केल में 450 रुपए की बेसिक पे ले रहा है। उसने रिवाइज स्केल में पे लेने का ऑप्शन दिया है। उसकी पोस्ट का रिवाइज स्केल 950 से लेकर 1800 रुपए है और मिनिमम पे 1000 रुपीज की है। इन रूल्स के साथ लास्ट में रेडी रैकनर दिया गया है। आपको स्क्रीन पर रेडी रैकनर नजर आ रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले कॉलम में पे दी गई है, उसके बाद डीए दिया गया है, फिर आईआर दिया गया है, टोटल अमोलुमेंट्स दिए गए हैं, पे फिक्सेशन बेनिफिट्स 10% ऑफ बेसिक पे दिया गया है और मिनिमम ये 50 रुपए का है, इसके बाद टोटल विद फिक्सेशन बेनिफिट दिया गया है और लास्ट में जो सैलरी या पे फिक्स की जानी है वो दी गई है। अब हम 450 रुपए पर रेडी रैकनर देखेंगे। 450 रुपए पर देखिए टोटल विद फिक्सेशन बेनिफिट हमारे पास 1047.50 रुपए आ रहा है और लास्ट में नेक्स्ट स्टेज बता रखी है जो पे फिक्स की जाएगी 1050 रुपए की। पर सबसे पहले हम 1047.50 रुपए मास्टर स्केल में देखते हैं, तो मास्टर स्केल में देखिए 950 और 25 975 और 25 1000 1025 और 25 1050 आ रहा है और 1025 से लेकर 1050 के बीच की फिगर है, तो नेक्स्ट स्टेज पर पे फिक्स करनी होती है तो वो 1050 आएगी जो रेडी रैकनर में पहले ही दे रखी हुई है। इसके बाद देखिए 1050 रुपए उसकी पे फिक्स की जानी है और उसकी रिवाइज्ड स्केल का मिनिमम 950 रुपए है, इसलिए उसके अमोलुमेंट्स उसकी पे फिक्सेशन मिनिमम से ज्यादा फिक्स हो रही है तो हम वही फिक्स करेंगे। अगर मिनिमम से कम अमोलुमेंट्स आते तो हम रिवाइज्ड स्केल के मिनिमम पर फिक्स करते। मान लीजिए रेडी रैकनर के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड स्केल में उसकी पे 900 बनती और उसके रिवाइज्ड स्केल का मिनिमम 950 रुपए है तो हम उसकी पे 950 रुपए पर मिनिमम पर फिक्स करते। अब देखिए पंजाब सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1992 को नया मास्टर स्केल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये मास्टर स्केल 1 जनवरी 1993 से एप्लीकेबल था। अभी देखिए थर्ड पे कमीशन में ही 2 मास्टर स्केल हो गए हैं, तो हमने जिनकी पे पहले पुराने वाले मास्टर स्केल के अकॉर्डिंग फिक्स की गई थी उनको कन्वर्ट करना था 1 जनवरी 1993 को नए वाले मास्टर स्केल में। तो अब देखिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई 31 दिसंबर 1992 को पे ले रहा होगा उसको हमने देखना है नए वाले मास्टर स्केल में, तो अगर वो नए मास्टर स्केल के 2 स्टेजेस के बीच में होगी तो उसको लोअर स्टेज वाली पे हमने बेसिक पे देनी है और जो डिफरेंस होगा इस पे में उसको हमने एडिशनल पे बना देना है। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो पे ले रहा होगा जो इस नए मास्टर स्केल में भी अवेलेबल है तो उसको एज इट इज रखना था। चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। मिस्टर ए एंड बी वर जॉइंड एज क्लर्क्स इन द पे स्केल ऑफ रुपीज 950 to 1800 विद मिनिमम रुपीज 1000 एज ऑन 24 दिसंबर 1992 एंड
6th of January 1993 respectively. Fix their pay till 31st of December 1995. तो दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मिनिमम 1000 रुपीज की पे ले रहे हैं. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है 24th of December 1992 को 1000 पे के साथ और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 6th of January 1993 को ज्वाइन किया है 1000 पे के साथ. तो अब देखिए, मिस्टर ए ने तो ज्वाइन किया है 1st of January 1993 से पहले, तो उसकी जो पे होगी वो ओल्ड मास्टर स्केल के अकॉर्डिंग दी गई है 1000. और जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 1st of January 1993 या उसके बाद ज्वाइन किया है तो उसकी जो भी पे है हम उसको अज्यूम करेंगे कि पहले ही रिवाइज्ड मास्टर स्केल के अकॉर्डिंग है. तो अब देखिए, मिस्टर ए की पहले हम रिवाइज्ड मास्टर स्केल में 1000 पे को फाइंड आउट करेंगे कि किस स्टेज पर है. तो रिवाइज्ड मास्टर स्केल में देखिए, रिवाइज्ड मास्टर स्केल में देखिए 950 से लेकर 1160 रुपए तक का स्केल हमें नजर आ रहा है और इसके बीच 35 रुपए की इंक्रीमेंट है. 950 प्लस 35 करिए 985 और 35 करते जाइए 1020 आ जाएगा. इसका मतलब हो गया कि 1000 से पहले वाली स्टेज 985 है और उसके बाद वाली स्टेज 1020 है और हमने लोअर स्टेज पे उसकी बेसिक पे फिक्स करनी है. तो 1st of January 1993 को मिस्टर ए की बेसिक पे 985 आ गई और 985 और 1000 का डिफरेंस 15 रुपए एडिशनल पे उसका बना दिया गया है. अब देखें, मिस्टर बी का हमने पहले ही बताया कि जो रिवाइज्ड स्केल में अगर उसकी पे नहीं भी है तो भी हम अज्यूम करेंगे कि रिवाइज्ड मास्टर स्केल के अकॉर्डिंग ही 1000 दिया गया है, तो उसको हम सप्लिट नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखिए, 1st of December 1993 को मिस्टर ए की इंक्रीमेंट लगेगी, उसको हमने 985 से नेक्स्ट वाली स्टेज देनी है जो 1020 आएगी और 15 रुपए की एज इट इज एडिशनल पे रहेगी साथ में. मिस्टर बी की नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1st of January 1994 को आएगी और 1000 के बाद वाली स्टेज 1020 रुपए आएगी और उसके साथ उसकी इंक्रीमेंट लग जाएगी. इसी तरह से 1st of December 1994 को मिस्टर ए की हमने इंक्रीमेंट लगाई है 1020 के बाद 1055 रुपए और फिर 1090 रुपए. इसी तरह से मिस्टर बी की 1st of January 1995 को 1055 रुपीज इंक्रीमेंट लगकर पे आ गई है. इस तरह से हम रिवाइज मास्टर स्केल में पे कन्वर्ट करेंगे. इन रूल्स के रूल 8 के क्लोज 1 में लिखा गया था कि इन रूल्स के पब्लिश होने के बाद प्रमोशन होने पर 2 इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट दिया जाएगा और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्रमोशन के 12 महीने बाद हो जाएगी. अब देखिए, इस रूल की वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ गई और केस चला गया हाई कोर्ट में, क्योंकि ये रूल तो एप्लीकेबल थे 1 जनवरी 1986 से, पर प्रमोशन होने पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया गया सिर्फ इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने की बाद की डेट से, और इन रूल्स के पब्लिश होने की डेट थी 13 सितंबर 1988 और प्रमोशन होने पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाने लगा 14 सितंबर 1988 से. इसलिए हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद पंजाब सरकार द्वारा 16th of May 1996 को क्लैरिफिकेशन दी गई कि प्रमोशन होने पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट अब से 1 जनवरी 1986 से ही दिया जाएगा, वो बेनिफिट नॉशनली दिया जाएगा और एरियर 14 सितंबर 1988 से ही दिया जाएगा. इस रूल के नीचे फर्स्ट प्रोविजो में लिखा गया था कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने प्रमोशन होने से पहले एक या एक से ज्यादा प्रोफिशिएंसी स्टेप अप यानी कि एसीपी स्कीम्स में बेनिफिट लिया हुआ है पहले से ही, तो उसको 2 इंक्रीमेंट वाला बेनिफिट नहीं देना है, यानी कि उसको प्रमोशन पर सिर्फ 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट ही दिया जाएगा. रूल 8 क्लॉज 1 के नीचे सेकंड प्रोविजो ए और सेकंड प्रोविजो बी भी दी गई थी, पर सेकंड प्रोविजो ए एंड बी 21st of January 2003 से रिमूव कर दिए गए. सेकंड प्रोविजो ए के अकॉर्डिंग प्रमोशन की डेट पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट अवेलेबल था और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट
12 महीने बाद कर दी जानी थी। सेकंड प्रोविजो बी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 2 इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट दिया जाना था। इस प्रोविजो में भी ये कंडीशन एप्लीकेबल थी कि अगर एसीपी का बेनिफिट पहले से ही लिया हुआ है तो 2 इंक्रीमेंट वाला बेनिफिट नहीं देना है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट दिया जाएगा वो लोअर पोस्ट वाली पे पर ही देना है और उसके बाद रिवाइज पे फिक्स करनी है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो 2000 से लेकर 3500 रुपए के स्केल में 2050 रुपए की बेसिक पे 19 सितंबर 1999 से ले रहा है, उसने एसीपी का बेनिफिट नहीं लिया है, उसकी 22 अगस्त 1990 में प्रमोशन हो गई है एज ए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 2200 से लेकर 4000 के स्केल में, उसने रूल 8 क्लॉज 1 के प्रोविजो ए के अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन ऑप्ट किया है। अब सबसे पहले उसका लिखेंगे 19 सितंबर 1999 में 2050 रुपए 2000 से लेकर 3500 के स्केल में वो ले रहा है और उसके बाद उसकी प्रमोशन हुई है 22 अगस्त 1990 में, तो मास्टर स्केल के अकॉर्डिंग 2050 के बाद 50-50 रुपए की 2 इंक्रीमेंट्स लगेंगी, 2150 रुपए आ जाएगा। इस तरह से उसका जो रिवाइज स्केल है 2200 से लेकर 4000 रुपए का है और उसकी इंक्रीमेंट्स लगने के बाद पे बनी है 2150 रुपए की, पर उसका मिनिमम पर फिक्स किया जाएगा तो 2200 रुपए 22 अगस्त 1990 को पे फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट उसकी एक साल बाद देनी है तो 1 अगस्त 1990 को उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगी, 2200 पर 50 रुपए की इंक्रीमेंट लगेगी और 2250 रुपए उसको मिलेगा। अभी स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल नजर आ रही है, सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पर उसने रूल 8 क्लॉज 1 के प्रोविजो बी के अकॉर्डिंग ऑप्ट किया है कि उसकी पे फिक्स की जाए। अभी देखिए 22 अगस्त 1990 को उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा तो 2050 पर 50 रुपए की इंक्रीमेंट लगकर 2100 रुपए बन गया और 2200 से 4000 रुपए का रिवाइज्ड स्केल है तो उसकी मिनिमम पर फिक्स होगी 2200 रुपए उसको मिलेगी और इसके बाद उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर उसको 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है, तो 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट हमने उसको उसकी ओल्ड पे पर ही देना है, तो 1 सितंबर 1990 को हम उसकी 2100 रुपए वाली पे पर 50-50 रुपए की इंक्रीमेंट लगाकर 2200 रुपए उसकी पे कर देंगे और 2200 रुपए की वो पे पहले ही ले रहा है तो उसको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, तो उसकी पे 2200 रुपए पर ही फिक्स की जाएगी। इस तरह से उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 सितंबर 1991 में मिलेगी। अब स्क्रीन पर देखिए आपको थर्ड एग्जांपल नजर आ रही है, सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 2000 से 3500 रुपए के स्केल में 2100 रुपए की बेसिक पे ले रहा है 1 सितंबर 1989 को, एसीपी का बेनिफिट उसने पहले नहीं लिया है, प्रमोशन हो गई है 22 अगस्त 1990 को एज ए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 2200 से लेकर 4000 के स्केल में और उसने ऑप्ट किया है कि रूल 8 क्लॉज 1 के प्रोविजो बी के अकॉर्डिंग उसकी पे फिक्स की जाए। तो अभी देखिए 1 सितंबर 1989 को 2000 से 3500 रुपए के स्केल में 2100 रुपए की पे वो ले रहा है, 22 अगस्त 1990 को उसकी प्रमोशन हुई है तो उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट देंगे, 2100 रुपए की पे पर 50 रुपए का बेनिफिट देकर 2150 रुपए की पे हो गई है, पर प्रमोशनल पोस्ट का रिवाइज्ड स्केल 2200 से शुरू हो रहा है तो मिनिमम पर उसकी पे फिक्स की जाएगी 2200 रुपए पर और 1 सितंबर 1990 को उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, उस पर उसको 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है, पर ये बेनिफिट हमने उसको उसकी ओल्ड पे पर देना है, तो पहले वाली पे उसकी 2150 रुपए की है, 50-50 रुपए की 2 इंक्रीमेंट्स लगाएंगे 2250 रुपए आ जाएगा और 2250 रुपए उसकी पे फिक्स की जाएगी। इसके बाद उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 सितंबर 1991 में लगेगी तो 50 रुपए की इंक्रीमेंट लगाकर 2250 पर 50 रुपए की इंक्रीमेंट लगाकर 2300 रुपए की उसकी पे फिक्स की जाएगी।
अभी स्क्रीन पर देखिए रूल 8 के क्लॉज 2 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे स्केल के मैक्सिमम पर भी पहुंच जाए, उसके अगर कोई भी इंटाइटलमेंट है इंक्रीमेंट्स की, तब भी उसकी वो इंक्रीमेंट्स लगेगी जब तक कि उसकी बेसिक पे 7300 ना हो जाए। आपने ये भी याद रखना है कि सीनियर क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट प्लेसमेंट है और इस पर कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाता है, पर अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम पर फिक्स होने की वजह से इस प्लेसमेंट में भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाता है तो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 12 महीने बाद कर दी जाएगी। इन रूल्स का रूल 9 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके क्लॉज 1 में दिया गया है कि जब भी इन रूल्स के अकॉर्डिंग पे रिविजन की जाएगी तो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज कर दी जानी है और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 12 महीने बाद कर दी जाएगी। क्लॉज 2 और 3 स्केल के मैक्सिमम होने के बाद भी इंक्रीमेंट से रिलेटेड ही है, जैसे प्रोफिशिएंसी स्टेप अप से रिलेटेड इंक्रीमेंट या अदर इंक्रीमेंट, जब तक कि बेसिक पे 7300 नहीं हो जाती हैं। अब देखिए पंजाब सरकार द्वारा 1st of December 1988 को ACP स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 8 ईयर और 18 ईयर। ये ACP स्कीम 1st of January 1986 से ही एप्लीकेबल थी। इस स्कीम में 8 ईयर के बाद एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट एज ए फर्स्ट प्रोफिशिएंसी स्टेप अप दिया गया और 18 ईयर की सर्विस के बाद भी एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट एज ए सेकंड प्रोफिशिएंसी स्टेप अप दिया गया। दोस्तों उम्मीद है आपको पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 1988 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।